नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज के जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे ये हमारे चेयर एक्सरसाइजेस रहेंगे। जो लोग हैं जिनके घुटने मुड़ते नहीं हैं या फिर हाँ जिनको दिक्कत है तो वो बैठ के ही कर सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये इन एक्सरसाइज को हर कोई कर सकता है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, ये ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि कैसे बैठे बैठे जो है चेयर पे बैठे बैठे हमें ये एक्सरसाइजेस करनी है। बस इतना ध्यान रहे कि आपका जो पीठ होना चाहिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आप इस तरह से बैठे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। बस आपका पीठ आपने सीधा रखना है ताकि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतर रिजल्ट्स मिले। और अपने पैरों के नीचे जो है कुछ भी आपके पास, अगर आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं तो आपने तो शूज़ तो पहने ही होंगे, या फिर नंगे पैर ना बैठे, अपने पैर के नीचे जो है चद्दर मैट कुछ भी होना चाहिए ताकि हमें जो हमारे फर्श का जो ठंडापन है वो महसूस ना हो। ठीक है, तो आपने इस तरह से बैठ जाना है एंड अपने दोनों पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, मीन्स फ्लोर पे टच रहने चाहिए। अपने दोनों हैंड्स को ऐसे करना है एंड थोड़ा थोड़ा हम एक्टिवेट करा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, मिलने वाले जो अच्छे रिजल्ट वो मिस हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एक्सरसाइज। हम पहले थोड़ा बॉडी को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे ही बैठना है, अपने दोनों हैंड्स को जो है ऐसे स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ करें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच करें, ऐसे नीचे लेके आएं, ऊपर अपना थोड़ा कमर के पीछे लेके जाएं, ऐसे शोल्डर को स्ट्रेच करें, जिससे हमारा बॉडी जो है अपर बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा और हम इजिली जो है अपने एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। ऐसे ऐसे अभी ऊपर उठाएं, हमारा ये आर्मपिट अपर बॉडी का एक्सरसाइज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेट को अंदर की तरफ खींचना है, जिससे हमारा पेट का जो बड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा फैट है वो तो बर्न होगा ही, आर्म पेट का एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा एंड इससे हमारा कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो हमने ये किया, आप ये फील कर रहे होंगे आपका पेट जो था वो काफ़ी अंदर की तरफ खींच रहा होगा, आपका शोल्डर एक्सपैंड हो रहे होंगे, मीन्स शोल्डर में स्ट्रेच हो रहा होगा, चेस्ट एक्सपैंड हो रही होगी। जब आप हाथों को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं जो स्टिफनेस हो जाता है हमारे शोल्डर में वो इसमें ठीक होगा, मीन्स उसमें लचीलापन आएगा, आप ऐसे से कर सकते हैं। तो आपने इसके क्या करना है, 20-20 के जो है आपने 3 सेट्स करने हैं एंड 3 राउंड उसको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएं अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो। अभी जो नेक्स्ट करेंगे अभी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, साइड से, तो जिससे हमारा साइड वेस्ट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो धोन होगा, बल्कि आपका शोल्डर जो स्टिफनेस है वो भी ठीक होगी। क्योंकि हम ज़्यादा देर ऐसे चेयर पे बैठे रहते हैं तो हमें बहुत मीन्स डर सा हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे स्ट्रेचिंग जरूर करें। 1 दोनों साइड करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जितना आप स्ट्रेच कर पा रहे हो उतना स्ट्रेच करें एंड वापिस। इस बार आपके शोल्डर थोड़े और थके होंगे, मीन्स आपने थोड़ा डीप स्ट्रेच किया, बट आप ऐसे से थोड़ा सा शेक जरूर कर लें, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, उससे आपको शोल्डर रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपने इस एक्सरसाइज के भी क्या करने हैं, आपने 20-20 के जो है आपने 3 सेट्स करने हैं, 3 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। अभी हम थोड़ा सा नेक
एक्सरसाइज करेंगे तो अपने दोनों हैंड्स को जो है ऐसे थाइस पे रख देना है, ठीक है। बॉडी आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए एंड जिससे लगे कि आप मीन्स आराम से बैठे हैं बट आपका पूरा बॉडी जो है वर्कआउट कर रहा है। स्ट्रेच करें बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, गहरा लंबा सांस। आपने क्या करना है, अभी गर्दन को ऐसे ऊपर करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हम काउंट करेंगे 10। अभी हम राइट टू लेफ्ट जो है ऐसे ऐसे देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करना है ब्रीदिंग के साथ। जब ऐसे करेंगे इनहेल एक्सेल, धीरे से आना है, सांस खींचते हुए जाए, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड देखना है, लेफ्ट टू राइट। ओके, सर्कल बनाए। फिर इनहेल करें, एक्सेल, लेफ्ट टू राइट। तो हम काउंट करेंगे 10। धीरे धीरे करें, आराम से करें ताकि हमारा गर्दन में भी कोई स्ट्रेचिंग ना आए और अच्छे से उसमें मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, लचीलापन बना रहे। तो आराम से करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेंगे, तो क्योंकि हम जब मीन्स जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको क्या होता है कि ऐसे ऐसे थोड़ा दिक्कत होती है उनका मूवमेंट में, गर्दन में। तो अगर आप धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपका मीन्स हो जाएगा। बट हर रोज आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है बैठे बैठे। बस ज़्यादा देर किसी भी चीज़ पे ऐसे ज़्यादा ना करें ताकि हमारा प्रेशर जो है हमारे आईज पे पड़ता है, हमारे मीन्स नेक जो है बिल्कुल वो स्टिफ हो जाता है। तो आपने ऐसे करना है, जितनी देर आप मोबाइल पे देख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, गजट्स आप रीड कर रहे हैं, तो आप ऐसे करें, सामने रखें और फिर आप रख सकती हैं। तो आप टेबल पे देखें बट आपका जो फेस टू फेस जो है, आप बस आपको ज्यादा गर्दन पे प्रेशर ना पड़े उस ढंग से करना है। थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम इक्वली। ये हमारा ग्रीवा संचालनासन था, इससे हमारा नेक का अच्छे से स्ट्रेचिंग हो गया, नेक एंड हेड का। तो आपने इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, हमारा शोल्डर, हमारा हेड, इस तरह से आपने स्ट्रेचिंग करना है। बैठे बैठे फिंगर का थोड़ा सा मूवमेंट करें तो हम काउंट करेंगे, अपने शोल्डर को बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे, आर्म्स को सीधा रखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो इस तरह से आपने शोल्डर रोटेशन, आर्म्स का स्ट्रेचिंग से करना है। तो धीरे धीरे आप करेंगे हर प्रैक्टिस तो इजली हो पाएगा। थोड़ा सा मुट्ठी बंद करें, थोड़ा सा ऐसे आर्म्स को अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ करें एंड ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं। तो ये आपने हर स्टेप जो है 10-10 टाइम करना है। जितने भी आर्म्स से रिलेटेड जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उनको करें तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपने क्या करना है, 10-10 के जो है अपने 5 सेट्स बनाने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते आप 5 5 जो है जितने भी एक्सरसाइजेज उनको डिवाइड कर लें एंड उनको करें, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एंड कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी हम लेग्स का करेंगे, लेग्स, थाइज एंड हमारे पैरों का एक्सरसाइज। तो आपने क्या करना है, ऐसे अपने पैर रख लेने हैं और ऐसे अपने पैरों को एक्सरसाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रोटेट 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप पैरों का एक्सरसाइज अगर करना चाहते हैं चेयर पे बैठे बैठे, वैसे आप थोड़ा थोड़ा पैरों को हिलाते रहें। अभी हमारे लेग्स एंड थाइस का एक्सरसाइज रहेगा। दोनों हम पहले लेग्स को इकट्ठा करेंगे फिर हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 जितना ऊपर तक उठा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम 10-10 के जो है सारी मैं एक्सरसाइज करके बता देती हूँ। एक लेग को आपने ऐसे ही रखना है नीचे, एक लेग को ऐसे ऊपर उठाना है। अपने चेयर का सपोर्ट ले ले अपने हैंड से। 1 2 3 4 एक लेग ऊपर काफी उठ जा रहा है, जितना आपसे उठ पा रहा है उतना उठाने का कोशिश करें, बस दर्द नहीं देना है, आराम आराम से करें। 5 6 7 8 9 10 दूसरे लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने अभी थाइज एंड लेग का एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा मैंने रोटेट भी करके दिखाया। तो आप ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, स्टिफनेस ठीक होगा एंड हमारा एक्स्ट्रा फैट तो वर्न होगा ही। तो आपने ये एक्सरसाइजेस करते रहने हैं एंड पेन भी दूर होगा। अगर पैरों में दर्द वगैरह हो जाता है तो आप ऐसे ऐसे वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे, क्योंकि उससे काफ़ी मीन्स जो स्टिफनेस है वो ठीक होता है। अभी जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है, हमने हाथों को अपने पैरों के साथ ऐसे टच करना है, ठीक है। ये हमारा पेट और कमर दोनों का एक्सरसाइज हो जाएगा। ये देखिए जो यंग है वो तो इजीली कर लेंगे, बट आप ये सोचिए कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे बेंड नहीं हो या जाता, क्योंकि थोड़ा सा उम्र का भी रहता है और दूसरा कि उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर मोटापा ज़्यादा आ जाता है तो उनसे झुका नहीं जाता। तो अगर अपनी बॉडी कैपेसिटी को देखते हुए ही करें, अगर आप जिस भी बेंच पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं या फिर बेड पे बैठ के कर रहे हैं, कहीं पे भी हो, तो आप क्या करें, अपने दोनों हैंड्स को ऐसे उठाएँ धीरे धीरे, जहाँ तक आपके अगर घुटने तक पहुँच रहा है तो उस तक ही हाथ पहुँचाएँ, ठीक है। फिर आप जब अच्छे से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे आपका, तो आपने क्या करना है, अपने लेग तक पहुँचाएँ ऐसे हाथ, थोड़ा और ऊपर तक हैंड्स को पीछे करना है ऐसे एंड फिर धीरे से अपने पैरों को टच करवाने का कोशिश करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका
कमर में जो हो जाता है मीन्स अकड़न सी हो जाती है, या फिर बाजू में या सर में, पूरा हमारा हेड टू टो जो है इसमें वर्कआउट होता है। अगर आप खड़े होके कर पा रहे हैं तो खड़े होके करिए, वो भी मैं बताऊंगी, बट ये आज हमारा चेयर एक्सरसाइज है तो हम चेयर से बताएंगे। वन, आप जमीन को भी टच कर सकते हैं। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। गहरा लंबा सांस लें। आपने फील किया होगा कि जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपको यहाँ थाइस पे स्ट्रेच होगा, और अच्छी बात है, बट आपको ज़्यादा पेन नहीं देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आपको उतना करना ही है। नंबर्स पे ध्यान ना दें, जितना आपका बॉडी मीन्स रेडी है उतना ही करें, इससे आपका थाइस का जो एक्स्ट्रा फैट है वो तो बर्न होगा ही, बल्कि आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, आपके कोर मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। लास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज, आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे बस ऐसे बैठे रहना है, बस आपको जब आप ऐसे कर रहे हो तो आपका ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। आपने कोशिश करना है, अगर आपके पीछे वॉल है वॉल को टच करने की कोशिश करें, चेयर कैज है तो चेयर कैज को टच करने का कोशिश। बस इतना ध्यान देना है कि आपका जो लोअर बॉडी है वो वैसे ही स्टे होना चाहिए, बस आपको अपर बॉडी पे काम करना है, इससे आपका एक्स्ट्रा फैट जो है टमी का वो तो बर्न होगा, चाहे थाइस का लेग्स का, इसमें काफी अच्छे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वन, एंड बैक पेन से भी रिलीफ मिलेगा, ज्यादा देर चेयर पे बैठते हैं या सोते हैं या फिर जो भी है ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत अकड़न सी हो जाती है, इसमें रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा, आपका पेन गायब होगा और आपका मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होगा। वन, टू, धीरे धीरे करें। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। ट्विस्ट करें। दोनों साइड से डिप ट्विस्ट। इससे क्या होगा कि आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स जो है वो आपस में टकराएंगे, मीन्स आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा हो रहा है, स्टिफनेस गायब हो रही है और आपका मीन्स जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न हो रहा है। बट आपको हर रोज प्रैक्टिस करते रहना है, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में हम सोचे कि नहीं हमने बहुत महारत हासिल कर ली, वैसे नहीं है। जल्दी में जो चीज़ आती है वो कुछ ही देर टिकती है और फिर चली जाती है, तो वैसा नहीं करना है। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, फिट रहना है, तो हर रोज जो है प्रैक्टिस जरूर करें, ये 5 से 10 मिनट जरूर दें अपने आप को, और हर रोज बैठे बैठे प्रैक्टिस करें, चाहे आप वॉक करें या फिर टहलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें एंड बस उसमें खुश रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे मेंबर्स बन सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो, और
वीडियो कैसा लगा है लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अपने एक्सरसाइजेस के साथ अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना है, हेल्दी डाइट लेना है, फाइबर एंड प्रोटीन फूड से रिलेटेड ही आपको फूड इंटेक करना है। एंड अब आउटसाइड फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें, घर का बना हुआ खाना खाएं, ज़्यादा जो ऑयली स्पाइसी सॉल्टी ये सब फूड को जितना हो सके अवॉइड करने का कोशिश करें। 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, अपनी बॉडी को जितना हो सके हाइड्रेट रखें, जितना आपका बॉडी ले रहा है मीन्स कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हुए खुश रहना है, पॉजिटिव फील करना है जितना हो सके। मीन्स मोबाइल टीवी इन सब चीज़ों से जितना आप कम कर सकते हो उतना करने का कोशिश करें, नींद भरपूर लें और अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, तंदुरुस्त रखें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक ध्यान रखिए, स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।